बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय वृक्ष था। इस वृक्ष का नाम था अनुपम। यह वृक्ष किसी भी इंसान को छूने पर उसे अद्वितीय रूप से लिपट लेता था। एक दिन गांव का एक लड़का नामक राज इस वृक्ष के बारे में सुनता है और उसकी कुर्सी पर बैठकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है कि एक पेड़ किसी को बंध सकता है। राज की जिज्ञासा उसे अगले कुछ हफ्तों तक तड़पाती रहती है। फिर एक दिन राज उस वृक्ष की तलाश में निकलता है। बहुत मेहनत के बाद वह उसे खोजता है और उसे मिलता है। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचता है, वृक्ष उसे विशेष रूप से छूने का अनुमति देता है। राज हैरान होकर पूछता है, तुम कैसे एक इंसान को बांध सकते हो? वृक्ष मुस्कुराता हुआ कहता है, ये मेरा रहस्य है राज। जब भी कोई मेरे पास आता है और मेरे करीब जाता है, वह मेरे विशेष संस्पर्श के बिना नहीं रह सकता, और जैसे ही उसे मेरी मिठास का आभास होता है, वह मेरे पास बंध जाता है। राज हेरफेर में पड़ जाता है और सोचता है, इसे मैं कैसे अच्छा बना सकता हूँ। वृक्ष उसके सवाल का उत्तर देता है, तुम्हें हर क्षण में अपने कार्यों में समर्थन, सहानुभूति और प्यार डालना होगा। जब तुम यह सीख जाओगे, तब हर कोई तुम्हारे प्रभाव में बंध जाएगा। राज गांव में वापस लौटता है और वह अनुपम वृक्ष की बातों को अपनाता है। उसकी दिनचर्या में समर्थन, सहानुभूति और प्यार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके साथी और पड़ोसी देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह अब बहुत आकर्षक और संवेदनशील बन चुका है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला होता है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। राज अब अपनी नई कईयों के साथ मेले की ओर बढ़ता है। एक जादुई मोहर वाले जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर राज से कहता है, तुम्हारा यह अनुपम वृक्ष कुछ खास है, लेकिन यह एक और विशेषता जोड़ी जा सकती है। तुम चाहो तो इसमें और भी जादू डाल सकते हो। राज सोचता है और फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि इसमें वही जादू बना रहे जो मेरे वृक्ष में पहले से है, समर्थन, सहानुभूति और प्यार। जादूगर मुस्कुराता हुआ मोहर लेकर कहता है, तुम्हारी इच्छा कबूल हो गई, अब यह वृक्ष और भी प्रभावी हो जाएगा। राज और अनुपम वृक्ष का मिलन, जिसमें नया जादू जोड़ा गया है, मेले के सभी लोगों को आकर्षित करता है। लोग चौंके रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वे सभी भी अनुपम वृक्ष के प्रभाव में बंध जाते हैं। मेला समाप्त होने पर राज और अनुपम वृक्ष अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। उनकी दुनिया में अब और भी सजीव हो गई है और उनके चारों ओर का माहौल भी प्यार भरा हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने कार्यों में सहानुभूति, समर्थन और प्यार जोड़ते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं। ये एक जादुई शक्ति है जो हमें और हमारे चारों ओर को बेहतर बना सकती है।